हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद राम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है नरेशन, सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो या कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी के या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हर तरह की परीक्षा में, एग्जामिनेशन में नरेशन से एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है। और आई एम क्वाइट श्योर, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपका नरेशन का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो चलिए शुरू करते हैं। नरेशन वर्ड बना है हमारा नरेट से। नरेट का मतलब नरेट जो कि वर्ब है टू से, कहना। इस प्रकार नरेशन का मतलब हुआ कथन। देयर आर टू वेज फॉर एक्सप्रेसिंग और रिपोर्टिंग अ पर्सन्स स्पीच। किसी व्यक्ति की स्पीच को एक्सप्रेस करने के लिए दो तरीके हैं। नंबर एक डायरेक्ट स्पीच और नंबर दो इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स, इनको हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। अब बात आती है डायरेक्ट स्पीच की, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब स्पीकर की बात को एज इट इज रखा जाए वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और स्पीकर की बात को अपने शब्दों में कहना, सारांश रूप में कहना वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम फाइन, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज। ये हमारा हुआ डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज फाइन, फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस था, उसने मुझसे कहा कि मैं फाइन हूं। स्पीकर की आई एम फाइन, यहां पर हमारा रिपोर्टर है, स्पीकर है ही, इसकी बात को एज इट इज हमने रख दिया, ये कह रहा है हमारा डायरेक्ट स्पीच। और इसकी बात को उसने मुझसे कहा था कि वह अच्छा था, उसकी बात को मैंने अपने शब्दों में कह दिया, तो ये हमारा हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया है, एक और सेंटेंस के माध्यम से हम इसको सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, said to me, comma, inverted comma, begin, I shall go to Delhi today, full stop, inverted comma, close। अब इसको हम चेंज करेंगे, he told me that he would go to Delhi that day, full stop। आगे बढ़ने से पहले इसके पार्ट की डिस्कस कर लेते हैं। इन्वर्टेड कोमा से पहले का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इसके अंदर जो वर्ब है said इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्पीच है, जो सेंटेंस है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसका हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। अगर आप स्टेप वाइज स्टेप चेंज करते हो तो आपको, जब इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हो, आप कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। हमने सबसे पहले क्या चेंज किया है, जैसे कि ही हमारा जो सब्जेक्ट है रिपोर्टर है, इसके बाद सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड मी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले चेंज करो। रिपोर्टिंग वर्ब को जैसे कि सेड टू को, नंबर एक सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, अगर सेड टू की जगह पर होता हमारा सेज टू तो उसको चेंज करते हम टेल्स में, से को टेल में, विल से को विल से में। इन चारों से हमें यह पता चलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका टेंस नहीं बदलता। पास्ट है तो पास्ट में चेंज करो, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में, से को टेल में चेंज करते हैं अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो, और विल से यानी कि फ्यूचर है तो
फ्यूचर में ही चेंज करते हैं। इसके अलावा यदि रिपोर्टेड स्पीच, ये तो हमारी असर्टिव सेंटेंस होगी, अगर यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता तो विस्ट या प्रेड में चेंज करते, इंपेरेटिव सेंटेंस होता तो सेड टू को हम रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में चेंज करते, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए या फिर रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने कंजक्शन का यूज किया है दैट, नंबर दो दैट टू इफ या वेदर या कोई डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमने दैट का यूज किया है। इसके बाद हम चेंज करते हैं प्रोनाउंस को, जैसे कि आई को मैंने यहां पर चेंज कर दिया है ई में। ये कैसे चेंज किया, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका, और मैंने अक्सर देखा कि स्टूडेंट्स प्रोनाउंस को चेंज करते वक्त गलती कर देते हैं। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं एस ओ एन 1 2 3 का फॉर्मूला। यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन हमारा चेंज नहीं होता। अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से हैं और सेकंड के और थर्ड के कौन से हैं। सो यहां पर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई माई मी वी अवर अस, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू योर यू, थर्ड पर्सन ही हिज हिम सी हर हर दे देयर देम वो इट इट्स और इट। ये जो पार्ट है हमारा ये है सब्जेक्टिव केस, सेकंड हमारा पजेसिव केस, और ये लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। मान के चलो ये तीन अलग अलग फैमिली हैं जिनके मेंबर एक ही फैमिली में रहने चाहिए, यानी कि अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो सब्जेक्ट में ही चेंज होगा, पजेसिव केस को पजेसिव में ही चेंज करो और ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट में ही चेंज करो। हमने यहां पर चेंज किया है आई को, इसे चेंज करते वक्त आप एक फॉर्मूला को अपनाएं, जैसे कि आई के आप तीनों रूप लिख लो आई माई मी। अब ये चेंज करना हमने, जैसे कि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है ही हिज और हिम, अब हमें चेंज करना था आई, आई के नीचे वर्ड आया है ही, तो हमने किस में चेंज कर दिया ही में। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। यहां पर हमने सेल्फ को चेंज कर दिया गुड, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, तो टेंस को कैसे चेंज करते हैं हम एक टेबल के माध्यम से इसको सीखते हैं। यदि आपका यहां पर मैंने लिख दिया है डायरेक्ट स्पीच और यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या फिर डू नॉट या डज नॉट अगर आए तो उसे हम चेंज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और डू नॉट और डज नॉट को डिड नॉट में चेंज करते हैं। कहने का मतलब आप प्रेजेंट इनडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इनडेफिनिट में। अगर इज एम या आर हो डायरेक्ट स्पीच में तो उसे चेंज करते हैं वॉज या वर में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में। अगर आपका हो हैज या हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट तो उसे चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और हैज बीन या हैव बीन अगर है तो उसे चेंज करते हैं हैड बीन में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज किया जाता है। ये तो हुए हमारे प्रेजेंट की। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड नॉट का यूज किया गया है तो उसे चेंज करते हैं हम हेड में यानी कि पास्ट परफेक्ट में, और वॉज या वर पास्ट परफेक्ट है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज किया जाता है। इसके बाद विल शैल कैन और
may, इनको चेंज करते हैं will को would में, shall को should में, can को could में और may को might में चेंज करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच के टेंस है, यहाँ पर इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं। जैसे कि shall था तो हमने इसको कर दिया था would क्योंकि सब्जेक्ट ही था। इसके बाद हमने एक और चेंज किया था, टुडे को हमने दैट डे में चेंज किया था। सो कुछ जो है फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे बार दोबारा से देख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और चेंजेस करते हैं, जैसे कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो नियरनेस की वर्ड्स हैं हमें अपने डिस्टेंस की वर्ड्स में चेंज करते हैं। जैसे कि दिस को हम चेंज करते हैं दैट में, यानी कि दिस अगर आपका रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में दिस का हो जाएगा दैट, हियर का हो जाएगा देयर, दीज को चेंज करते हैं दोज में, टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में, टुमारो को चेंज करते हैं नेक्स्ट डे में और नेक्स्ट को चेंज करते हैं हम फॉलोइंग में, यस्टरडे को हम चेंज करते हैं प्रीवियस में, अगो को चेंज करते हैं बिफोर में और नाउ को चेंज करते हैं देन में। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फ्रेंड्स। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो आपको टेंस, प्रोनाउंस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच आप चेंज नहीं कर सकते। हम एक दो सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन आई एम रीडिंग ए बुक इन्वर्टेड कोमा क्लोज। सबसे पहले आप सब्जेक्ट एज इट इज रखें क्योंकि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। इसके बाद सेड टू की जगह आ गया टोल्ड, बच गया वर्ड मी। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए या फिर रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब प्रोनाउन आप चेंज करो तो एस ओवर वेन और वन टू थ्री लिखें। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर ही। तो जैसा मैंने बताया था आई के तीनों रूप आप लिखो, आई माई मी, जिसके साथ चेंज करना है ही हिज और हिम। हमें चेंज करना था आई, आई के नीचे वर्ड आया ही तो आप यहाँ पर ही लिख देंगे। हिज हमारे को चेंज किया जाता है वॉज या वर में, ही हमारा सिंगुलर है तो ही के साथ आएगा वॉज रीडिंग ए बुक और फुल स्टॉप। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, चाहे डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट नरेशन में किसी भी तरह का सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त वो आपका सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इंटरोगेशन, सभी तरह के पंक्चुएशन मार्क्स हट जाएंगे केवल और केवल फुल स्टॉप को छोड़कर। एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं, सी सेड टू मी सी विल सिंग अ सॉन्ग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। सी एज इट इज सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, सी टोल्ड मी दैट। अब सी जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, आप इसको चेंज नहीं करते। सी सी को विल को हम चेंज करेंगे वुड में, सी वुड सिंग ए सॉन्ग। वन मोर, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। यहां पर ही सेड टू को चेंज करो टोल्ड मी, मी इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए दैट का यूज, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन,
चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, हैज है वो चेंज करते हैड में, ही हैड कंप्लीटेड। अब ये है माई है पजेसिव केस। अब जैसे कि यहां पर आप लिख रहे आई माई मी, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही हिज और हिम, चेंज करना है हमें माई तो पजेसिव केस ही आना चाहिए, किसमें चेंज होगा हमारा हिज में, ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क फुल स्टॉप। सो फ्रेंड्स दैट्स इनफ फॉर द डे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इंपेरेटिव ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाते हैं। तो टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।